कुछ लोगों ने बोला कि ये एसडीएम बन गई ना एसडीएम, इसलिए इसका रवैया चेंज हो गया। रवैया चेंज होना भी चाहिए। अब मैं कल को प्रधानमंत्री बन जाऊं तो रवैया चेंज होगा ना, अच्छा लगेगा। मैं एज अ प्रधानमंत्री तीन लौंडे स्कूटी बैठा के लड़कियां छेड़ रहा हूँ, नुक्कड़ पे खड़े होकर सुट्टे मार रहा हूँ, बाप आ रहा प्रधानमंत्री पीट रहा बेंच, अच्छा लगे हैं? स्प्लेंडर पे बोरी रख के आटा पिसा के ला रहा हूँ। इसलिए चेंज तो होना पड़ता है ना भाई, रवैया चेंज करना पड़ता है, क्योंकि प्रधानमंत्री की रिस्पेक्ट है भाई, एक औहदा है। जब प्रधानमंत्री चलते हैं ना भाई, तो कम से कम 100 लोग बेमतलब में चलते हैं, चलना ही पड़ता है उन्हें, इधर गाड़ी इधर गाड़ी, ऊपर भी गाड़ी बेंचो हेलीकॉप्टर में, इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी, क्योंकि प्रधानमंत्री का एक औहदा एक रिस्पेक्ट है। उसी तरह एसडीएम का भी एक औहदा एक रिस्पेक्ट है। अब एक एसडीएम चपरासी के साथ थोड़ी रहेगी यार। देखो यार, मुझे लगता है कि आदमियों की रिस्पेक्ट नहीं है बिल्कुल भी, कोई इज्जत नहीं कर रहा हमारे, कोई ऐसे पीछे से शाबाशी नहीं दे रहा बिल्कुल भी। तुम देखो, तुमने आज तक सिर्फ यही सुना होगा कि हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। हाँ, देखा नहीं होगा, वो अलग बात है, लेकिन कभी ये नहीं सुना होगा कि हर कामयाब औरत के पीछे एक आदमी का हाथ होता है। पता है क्यों? क्योंकि कामयाब औरत फिर उस आदमी के साथ रुकती नहीं ना, फिर वो कामयाब आदमी ढूंढती है। देखी तुमने नई मूवी पति पत्नी और होमगार्ड? हाँ, जी न्यूज पे रिलीज हुई, वो बहुत चली भाई, बहुत चली। तो एक न्यूज एंकर उसी मूवी के बारे में रिव्यू ले रहा था एक औरत से, पहली बात तो औरत से पूछ रहा यही चूतिया है। मैंने चलो फिर भी देख ही लेते हैं क्या बोल देगी ये, काम का तो कुछ बोलती नहीं औरतें भाई। तो उससे पूछा कि ये आलोक जी का और ज्योति मौर्य का जो सीन चल रहा है, इस पे आपकी क्या राय है? तो कहते बहुत गलत किया। बहुत ज्यादा गलत किया उस आदमी ने। आदमी ने, देखो तुम मानो या मत मानो, कुछ तो औरतें भी गांजा फूकती हैं भाई, क्योंकि इतनी बेहुदा बात एक गुड लेडी कर नहीं सकती। फिर कहती कि अगर कुछ हो भी गया था तो चुपचाप तलाक ले लेता। अबे यही तो चाहिए था उसे, मतलब थोड़ा तो अपने घुटनों से सोचो, थोड़ा तो अपने घुटने सोचना चाहिए ना, है कि क्या हो रहा नहीं हो रहा। अगले ने इतना कर्जा वर्जा लेके उसे पढ़ाया लिखाया, पूरा साथ दिया भाई, बर्तन वर्तन तक धोरा, मैंने सुना अपना पति धर्म पूरे प्रो लेवल पे निभाया। लड़की को क्या क्या नहीं मिला, दौलत, शोहरत, होमगार्ड, सब मिला। आदमी को क्या मिला? EMI। मुबारक हो, आपकी बीवी SDM बन गई, और आपकी डेडिकेशन और हार्डवर्क के लिए आपको मिलता है 1 करोड़ का कर्जा। तो जमीन बेच के चुकाना चाहेंगे या फिर आपका घर नीलाम कर दें? लेकिन सर मैंने तो वो भरोसा वगैरह, आपके भरोसे की भोसड़ी हो गई है सर, सॉरी। अब ये जो इंसिडेंट हुआ ना, तो इस इंसिडेंट के बाद बहुत सारे लोगों ने अपनी बीवी की पढ़ाई छुड़वा दी। क्यों? क्योंकि आलोक भाई की बीवी ठीक नहीं निकली। That's a fair point. तुम यार ऐसा कैसे कर सकते? तुम किसी और की गलती की सजा किसी और को कैसे दे सकते हो यार? कितना अजीब हो जाएगा ना, सोचो गलती कोई और करे और गांड किसी और की लगे। मान ले तुम्हारा नाम क्या है? हिमांशु। और तुम्हारा नाम क्या भाई? अंकुश। इमेजिन करो, ये एक जगह काम कर रहे हैं, बॉस आता है कहता है हिमांशु मैं तुम्हें 1 महीने से देख रहा हूँ, तुम डेली ही लेट आते हो, तुम्हारे वर्क डेज से ज्यादा तुम्हारे फक डेज हैं। हाँ, ऊपर से बालकनी में 2 बार मुठ मारते हुए पकड़े जा चुके हो। तुमने अपनी CV में अपनी क्वालिफिकेशन से लेकर अपने बाप का नाम तक झूठ लिखा। तुमने लिखा है कि तुम्हें 3 साल का ऑटोमोबाइल एक्सपीरियंस है। पंक्चर लगाना ऑटोमोबाइल नहीं होता हिमांशु। हिमांशु मैं तुमसे तंग आ चुका हूँ, ऐसा करो अंकुश तुम काम पे से निकलो, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, और ये लो हिमांशु प्रमोशन लेटर। और जाते जाते बालकनी में 1 बार और मुठ मार दो, कोई दिक्कत नहीं है। बस कितना अजीब लगता है जब तुम्हें बेमतलब में तुम्हारे साथ कुछ होता है। अब जैसे मैं किसी की पत्नी होता और कोई मेरे साथ बेमतलब मेरी पढ़ाई छुड़वा देता, मैं तो पागल हो जाता भाई। कम से कम 20 लोगों के साथ अफेयर रखता मैं, और सबसे मेरा सिर्फ सेक्स संबंध होता। हाँ, गली के अंकलों को चुम्बियां बांट देता मैं।
सबसे कहता मुकेश की पत्नी हूं मैं और मेरे चाल चलन बिल्कुल ठीक नहीं है, मुझे छेड़ोगे मैं दे दूंगी। हाँ भाई बहुत ड्रामे कर देता, बदनाम कर देता, मुकेश की पत्नी हूं मैं, मुकेश है मेरा पति, मैं कुछ कर, मैं अपने ससुर के साथ सो जाता। कोई दिक्कत नहीं, मैं जो मेरी पढ़ाई की फीस छोड़ो साड़ी ब्लाउज पहन के एग्जाम दे के आता। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा वन विन के बारे में, जहां पे आप लक्की जेट गेम खेलकर मनी अर्न कर सकते हो। सिंपल है, मैं समझाता हूँ। सिंपली आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करना है, वहां पे जाके रजिस्ट्रेशन करना है, फिर आपको डिपॉजिट पर क्लिक करके आपके फेवरेट पेमेंट मेथड पेटीएम पर क्लिक कर देना है। मैंने यहाँ पे 5K डिपॉजिट किया हुआ है। अब मैं यहाँ पे लक्की जेट गेम खेलूंगा जो कि आपको वन विन में ही मिल जाएगा। मैं इस गेम को खेलूंगा और अच्छी ऑड्स का वेट करूंगा, और जैसे ही मनी रेज होगी मैं विन कर जाऊंगा। तो पहले हम 2000 रुपये से ट्राई करेंगे, थोड़ा वेट कर लेते हैं। और देखो मैंने 2.69 मल्टीपल के साथ 5380 रुपये अर्न कर लिए। अब अर्न तो कर ली लेकिन इन्हें विड्रॉ भी तो करना पड़ेगा, तो विड्रॉ के लिए आप पेटीएम का यूज़ भी कर सकते हो जैसे कि मैंने किया है। वन विन एक ट्रस्टेड साइट है जो आपसे विड्रॉल पर कोई भी कमीशन नहीं लेता है। यहाँ पे सिंपल रजिस्ट्रेशन, नो वेरिफिकेशन, मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों जगह पे लिंक दे दिया। अगर आप वहाँ पे जाके मेरा प्रोमो कोड मेहता यूज करते हो तो आपको मिलेगा 25,000 तक का बोनस भी। तो वेट क्या कर रहे हो, लिंक पर क्लिक करो और विन करो, लेकिन अपने रिस्क पर। देखो मेरा बैलेंस भी आ गया, अब तो चले जाओ भाई। अरे जाओ भाई, रुक जाओ, कहीं चले मत जाना, वीडियो देख लो फिर जाना आराम से। अब तुम देखो इस इंसिडेंट के बाद इतना रिएक्ट कर रहे हैं ना लोग जैसे ऐसा पहले कभी हुआ ही नहीं। तलाक पहले कभी हुआ ही नहीं, धोखा, लोग ऐसे रिएक्ट कर, धोखा कर दिया, धोखा धोखा हो गया क्या उसके साथ। अच्छा 1559 में आखिरी बार भाई धोखा हुआ था। धोखा देखो तुम, ऐसी चीज है जिसको मौका मिलेगा वो तुम्हें धोखा दे देगा। तुम देखो तुम अनार भी लेने जाओ ना तो बैंचो नजर हटती है, दो अनार खराब डाल देता है। हाँ गरीब आदमी भी धोखा देने में डर नहीं रहा भाई। बिल्कुल रियल इंसिडेंट बता रहा हूँ भाई। एक बार मैं आम लेने गया तो 1 किलो आम में करीब 4 आम चढ़ रहे थे, तो मैं लेके आया तो भाई उसने 2 ठीक आम और 2 खराब केले डाल दिए थे यार। मैं जो आम भी नहीं, केले। और तुम देखो अपने आप, अपने आसपास का जो ये इन्वायरमेंट होता है, अपने दोस्त लोग कभी भी ऐसे नहीं कहेंगे कि तुम सामने वाले ही गलती थी, तू ठीक है, ऐसे नहीं, उल्टा तुम्हें ही चोदना शुरू कर देंगे। मैंने बताया भाई देख मैं ना आम लेके आया आम, और पता है उसने 2 सड़े हुए केले डाल दिए, धोखा दे दिया, धोखेबाज भैंचोद। कहता वो धोखेबाज है छोड़, तो कितना चूतिया है जिसे आम और केलों में फर्क नहीं दिखाई दिया। शुक्र है उसने तेरे मुंह में लंडनी डाल दिया, क्योंकि जिसे आम और केले में फर्क नहीं दिखाई दे रहा उसे केले और केले में क्या ही फर्क दिखाई देगा। एक और रियल इंसिडेंट बता रहा हूँ मैं। एक बार मैं साइंस म्यूजियम गया था, बहुत पुरानी बात है, बहुत ज़्यादा पुरानी, जब गूगल मैप्स नहीं हुआ करते थे। मैं बता रहा हूँ इतनी पुरानी, बहुत पुराना आदमी हूँ, अपने बाप का भी दोस्त हूँ मैं, इतना पुराना हूँ भाई। तो मैं साइंस म्यूजियम गया, कठोर गर्मी भाई, हाँ आग के डल्ले बरस रहे थे, मैं बच बच के जा रहा था। तो भाई वहाँ मैं जब वहाँ पे पहुँचा मैं आसपास, तो उतरते ही सबसे पहले तो भाई मैंने वो मलाई कुल्फी खाई। पहली जब आइसक्रीम ली ना मैंने उससे, तो लेते लेते गल गई, मेरे हाथ तक डंडी आई है। मैंने मुंह खोला, मुंह में डाल दे बहन, डाल दे इसे यहाँ पे, खाना है मुझे इसे। मैं बताऊँ मैं वो लेता नहीं, लेकिन उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी इतनी अपर लेवल पे थी ना, इतना बड़ा स्पीकर लगा रखा था भाई उसने, और उसमें से आवाज़ आ रही, मेरठ की मशहूर मलाई कुल्फी खाई, मेरठ की मशहूर मलाई कुल्फी खाई और अपने यार दोस्तों को भी खिलाई। अरे खाई, अरे खड़े क्या खाई, मैं लाभ है दे देनी तो मैं भी और तू दोनों मर जाएंगे। तो वहाँ बहुत शोर हो रहा था, मैंने उससे तो पूछा नहीं, फिर बाजू में ही ऑटो वाला था, मैंने कहा इससे पूछूं जरा, ये साइंस म्यूजियम है कहाँ, आजू बाजू दिख नहीं रहा। तो मैंने उससे पूछा भाई साहब ये साइंस म्यूजियम क्या, कह रहा यहाँ से तो बहुत दूर है। मैं कहा मैं चिड़ियाघर आ गया क्या फिर। कह रहा यहाँ से बहुत दूर है भाई साहब, वैसे 150 रुपये लगते हैं हम, आप हमारी बेटी के पति हो ना इसलिए हम आपसे सिर्फ 100 रुपये लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे। मैं कहा अच्छा, खड़े खड़े उससे बात करते हो भाई, 200 का पसीना बह चुका था। मैं कोई बात नहीं तू बिठा ले चल का। तो भाई उसने मुझे बिठाया, 15-20 मिनट चक्कर कटाए, उसके बाद उसने साइंस म्यूजियम छोड़ा मुझे, मैं उतरा, उसको पैसे दिए, ऑटो वाला गोली हुआ। उतरते ही सबसे पहली आवाज़ जो मेरे कान में गई वो ये थी, मेरठ के मशहूर मलाई और अपने पहनचोद कि इतनी फेमस है यहाँ भी बिक्री है, तो इसे मेरठ की मशहूर क्यों कह रहे, दिल्ली की मशहूर क्यों नहीं कहते। फिर मैंने ध्यान से देखा तो भाई वो वही बंदा था, वही सेम बंदा। मेरी गांड फट गई, मैं कहा पहनचोद ये ठेली ऑटो से तेज कैसे भगा गई। फिर मैंने आसपास देखा तो वही सेम जगह थी। तो 150 रुपये में, 100 रुपये में भाई साहब ने मुझे
रोड क्रॉस कराई थी घुमा के, इतना चूतिया हूँ मैं। तो दोस्त सही कह रहे थे कि चूतिया तो हूँ मैं। और ये एसडीएम वाले मैटर पे फिर क्या हुआ, कुछ लोगों ने बोला कि ये एसडीएम बन गई ना एसडीएम, इसलिए इसका रवैया चेंज हो गया। रवैया चेंज होना भी चाहिए, अब मैं कल को प्रधानमंत्री बन जाऊँ तो रवैया चेंज होगा ना, अच्छा लगेगा। मैं एज अ प्रधानमंत्री तीन लौंडे स्कूटी बैठा के लड़कियां छेड़ रहा हूँ, नुक्कड़ पे खड़े होकर सुट्टे मार रहा हूँ, बाप आ रहा प्रधानमंत्री पीट रहा बेंच, अच्छा लगे हैं? स्प्लेंडर पे बोरी रख के आटा पिसा के ला रहा हूँ। इसलिए चेंज तो होना पड़ता है ना भाई, रवैया चेंज करना पड़ता है, क्योंकि प्रधानमंत्री की रिस्पेक्ट है भाई, एक औहदा है। जब प्रधानमंत्री चलते हैं ना भाई, तो कम से कम 100 लोग बेमतलब में चलते हैं, चलना ही पड़ता है उन्हें, इधर गाड़ी इधर गाड़ी, ऊपर भी गाड़ी बेंचो हेलीकॉप्टर में, इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी, क्योंकि प्रधानमंत्री का एक औहदा एक रिस्पेक्ट है। उसी तरह एसडीएम का भी एक औहदा एक रिस्पेक्ट है। अब एक एसडीएम चपरासी के साथ थोड़ी रहेगी यार, ये तो भाई आलोक भाई को भी समझ जाना चाहिए था, इतने बेवकूफ़ हैं। इसलिए सेट मैक्स पे बार बार सूर्यवंश मारते थे, लोगों को लगता था कि मूवी है, नहीं मूवी नहीं थी, मैसेज था कि अगर बीवी को कलेक्टर वलेक्टर बना रहे हो तो खुद भी कुछ बन जाना, नहीं तो होमगार्ड बहुत है इस दुनिया में। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।